जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर की अगुवाई में जिला बिलासपुर की तल्याणा पंचायत के बहेल नवाड़े गांव का एक प्रतिनिधि मंडल SC2DC गोरख चौधरी से मिला और उनके माध्यम से जिलाधीश पंकज राय को ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल को बहेल नवाड़े गांव में भीषण अग्निकांड की वजह से 5 परिवारों के घर जलकर राख हो गए। प्रभावित परिवारों के मुखिया सीताराम, धनीराम, कमला देवी, बंसीराम, कमला देवी हैं। आशीष ठाकुर ने बताया कि 2 मई को समाचार पत्रों के माध्यम से सदर विधायक सुभाष ठाकुर का बयान छपा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा ने प्रभावित परिवारों को 15 लाख की धनी राशि जिलाधीश कार्यालय को भेज दिए, जिससे प्रभावित परिवारों में एक आस ही पैदा हो गई कि वो जल्द ही अपना आशियाना बना पाएंगे। आज पूरे 4 महीने का समय हो गया है, पर फूटी कोड़ी तक भी प्रभावित परिवारों को नहीं मिल पाई है। आज तक प्रभावित परिवार गांव के अन्य लोगों के घरों में रहने को ही मजबूर हैं, उनके पास रैन बसेरा तक नहीं है। आशीष ठाकुर ने आरोप लगाया है कि इससे भाजपा की नीति और नियत का पता चलता है। उन्होंने कहा कि धार के लोगों ने जगत प्रकाश नड्डा को 3 बार विधायक बनाया है और आज वो राष्ट्रीय नेता बने हैं, उसमें धार के लोगों का विशेष योगदान है। पंचायत के बहल नवाने गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से 5 घर जल के राख हो गए थे। 2 मई को समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ था कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, उन्होंने जिलाधीश जी के माध्यम से 15 लाख रुपए की राशि इन प्रभावित परिवारों को भेजी थी। समझ से परे है कि 2 मई से लेकर आज 2 अगस्त हो चुका है, पर इन परिवारों को फुट्टी कौड़ी भी जगत प्रकाश नड्डा जी की तरफ से नहीं मिली है। इससे उनका धार के प्रति जो प्यार है वो दर्शा दिखता है कि आज तक सिर्फ वोट लिए, वोट बैंक के लिए लोगों को छला, पर जो धरातल की स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है। इससे भारतीय जनता पार्टी की भी जो सोच है, नीति है और नियत है, उसका भी साफ पता लगता है।